करके शाम में शामिल होंगे, थोड़ा सा बैठ कर थोड़ा सा इंटरटेन होंगे, परफॉर्मेंसेस देखेंगे, मज़े लूटेंगे थोड़े से। आई थिंक एक जय हो का गाना होगा, एक या दो जय हो के गाने हैं और एक पुराना कोई गाना नहीं। नहीं, मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था कि वो जो फिल्म इंडस्ट्री का स्ट्राइक हुआ था ना, इसकी वजह से हमारी फिल्म थोड़ी सी डिले हो गई, नहीं तो ये फिल्म आती ईद पर और किक आती अभी। और आमिर का भी सेम प्रॉब्लम हुआ था। आमिर की ये फिल्म बहुत पहले रिलीज़ होने वाली थी। मैं काम करते हुए मनाऊँगा, और मेरी राय ये है कि आप सब भी काम करते हुए मनाएं जन्मदिन, सिर्फ मेरे दिन, मेरे जन्मदिन पे आप लोग सब छुट्टी ले लें। थैंक यू। आई एम वेयरिंग मंदिरा विप एंड इयररिंग्स बाय नित्या। दिस ईयर वाज गुड बिकॉज आई हैड टू बिग रिलीजेस, मर्डर 3 एंड बॉस, and I think they were both commercial films and I hadn't done such commercial films before, so it was a lot of fun for me and I think a sort of new experience. hum log hamari film promote kar rahe hain, Mr. Jo bhi karwa lo. yes, so wo hai बिल्कुल, अभी दो हफ्ते ही बाकी है, इट्स रिलीजिंग ऑन द 3rd ऑफ जनवरी, तो बहुत गर्मी है। मुझे यूजली अवार्ड पार्ट 2 के बाद मिलता है, तो मैं पार्ट 2 के लिए आऊंगा। आज ये बहुत प्रसन्न है, भगवान ने हमारी जो हमने जो इतनी मेहनत की है पिक्चर बनाने के लिए, वो उसकी उसको सफलता दी है और लोगों ने बहुत प्यार दिया है, इज्जत दिया है, तो खुशी है इस बात की। देखिए, ये फिल्म करोड़ों कमाने के लिए नहीं बनाई गई, यारियां दिल से बनाई गई है और मैं चाहती हूँ कि आप सबके दिलों को छुए, तभी वो वो सेटिस्फैक्शन मिलेगी हमें। और बिल्कुल करोड़ कमाने के लिए हमने यारियां नहीं बनाई। बहुत मुश्किल है मेरे लिए क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ पिक्चर की चूज करना, लेकिन अगर फिर भी आप कहेंगे तो माँ के ऊपर एक रॉक सॉन्ग है, आई थिंक वो हर कोई, हम सब उस सॉन्ग से कनेक्ट कर पाएंगे बिकॉज वी ऑल फील सो मच फॉर अवर मदर। जस्ट वोन इज साड़ी बाय सब्यसाची, तो उनकी एक क्रिएशन है ये। आई थिंक अभी मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ी मैच्योर दिखूँ, नहीं तो ड्रेसेस में बहुत बच्ची बच्ची दिखती हूँ। आई एम ट्राइंग कि साड़ी पहन के जाऊँ हर जगह, एफर्ट करके, ताकि थोड़ी डायरेक्टर टाइप लुक आए, लेकिन शायद फिर भी नहीं आती। आई थिंक बहुत ही अमेजिंग साल था, बहुत सारे न्यू कमर्स की फिल्म पॉपुलर हुई, जैसे आशिकी 2 हमारी चली, काय पोछे चली, और बहुत सारी न्यू कमर फिल्म को बहुत अप्रिशिएशन मिला। तो हम होप कर रहे हैं कि यारियाँ जो आ रही है नया साल न्यू कमर्स से अभी वापस स्टार्ट कर दीजिए आप सब। देखिए, नव वर्ष पे हम दुबई में हैं, बट मेरी पिक्चर का काम भी चल रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है यारियाँ की, तो मैं उसमें काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, बट शायद एक दो दिन के लिए हम दुबई ज़रूर जाएंगे। मैं सभी दर्शकों से विनती करूँगी कि प्लीज़ नए वर्ष में मेरी पिक्चर यारियाँ जाके देखिए, 10 जान को रिलीज हो रही है, और नया साल बहुत बहुत इंजॉय कीजिए। जी, हम सब यारियाँ मूवी से हैं, यारियाँ मीन्स फ्रेंड्स, और हम सब रियल लाइफ में भी फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग तारीफ ही करेंगे एक दूसरे की, तो फॉलो कर रहे हैं। जैसे पार्टी है, ही इज द फन गाय, ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल कैरेक्टर है, ओवरडू नहीं करती है ये। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी द कैसिनोवा बिकॉज़ आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ कैसिनोवा, सो Maybe I'm just trying to impress someone. And वो hot है। मैं college की hottie हूँ। Neil is a biker, he's a stud, so he always wear boots and blazers and V-neck t-shirts, glasses, watches. I think she's the hottie and she's my darling. Wishing everyone a very happy New Year. As I am, when my producers make a formal announcement, I just I'm hoping everybody's excited as I am. I'm very excited. न्यू ईयर कुछ तो मौज मस्ती होगी, कुछ ज़रूर ज़रूर होगी, डिसाइड नहीं किया यार, सब लास्ट मोमेंट होता है मेरा, जैसे आज भी। यस, विशिंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ आवर कंट्री वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, कीप इट सेफ एंड मस्ती करो, बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर। I'm a fan of everyone, almost everyone. My contemporaries, I'm a fan of my contemporaries, my seniors, my juniors. A few
I guess would be the cons. All the cons. We'll let you know. Nandita Mehtani actually gave it to me. She said it looked really nice with the dress, so I wore it. अच्छा आपको पता चल गया? मुझे मिल गया है क्या? मुझे भी नहीं पता है. मैं नॉमिनेट हुई हूँ, मुझे इसी बात की खुशी है. अगर मिल जाती है, अगर मिल जाता है अवार्ड तो बड़ी अच्छी बात होगी मेरे लिए. और अगर नहीं भी मिलता है, मुझे अवार्ड ऑलरेडी ऑडियंसेस ने दे दिया है. मुझे बहुत प्यार करते हैं. मुझे रोज लोग आके बोलते हैं, रोक रोक के बोलते हैं, हम लोग नच बलिए देख रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं. और बस मुझे उसी में बहुत बहुत सारी फिल्में अच्छी लगी है इस साल. सच्ची मुझे चेन्नई एक्सप्रेस अच्छी लगी है, मुझे रामलीला बहुत अच्छी लगी है, मुझे और कौन सी पिक्चरें हैं नॉमिनेशन में, और बर्फी बहुत अच्छी लगी. बर्फी इस साल पिछले साल की थी. अच्छा हाँ, फिर बहुत अच्छी लगी मुझे भाग मिल्खा भाग बहुत अच्छी. हाँ Again, there's so many nice songs. Yeah! All of you, a very, very happy and prosperous new year. Just enjoy it with all your loved ones and a very, very Merry Christmas. ये तो जूरी और पब्लिक का वोट बताएगा. मैं यहाँ अपने फिल्म को सपोर्ट करने आया हूँ, तो होपफुली you'll see it very soon. It's for a shoot, but unfortunately I can't tell you more than that. Nahi bas bahut puri family jo hai bahut khush hai. We are very very proud of him, we always have been. Aur ye Sahitya Academy Award jo ne mila hai, I think bahut matlab it's very well deserved. Aur baki jo recipients hain alag alag languages mein bahut logon ne jeeta hai, main sabko bahut hi badhai deta hu. I feel that of course the film industry is still evolving. Hamara business jo hai khaas taur se हर साल बढ़ता है, तो दिस अ गुड इंडिकेशन दैट देर आर मोर ग्रोइंग ऑडियंस फॉर आर फिल्म्स नॉट ओनली इन इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आई होप टू बी गोइंग बैक विद एन अवार्ड. फिंगर्स क्रॉस्ड, इट विल बी नाइस टू गो होम विद एन अवार्ड. अभी तक मुझे एक अवार्ड मिला है, तो आई होप कि टुडे इज माई सेकेंड अवार्ड. अच्छा लगेगा टू हैव टू अवार्ड्स दिस ईयर. मेरा डेफिनेटली इट्स माई फिल्म सॉन्ग, इट्स तुम ही हो, एंड दैट इज एवरीवन्स फेवरेट सॉन्ग दिस ईयर, सो दैट्स ऑसम. आई लव ऑल द सॉन्ग्स ऑफ माई फिल्म एंड आई स्टिल लिसन टू देम एंड आई एम स्टिल ऑब्सेस्ड विद देम. दोस्तों से मिलने आई हूँ, ना मैं परफॉर्म कर रही हूँ और ना ही अब अवार्ड्स लेने की इतनी एक्साइटमेंट रहा, क्योंकि कुछ 20-25 अवार्ड्स हैं घर में ऑलरेडी, रखने की जगह नहीं है, तो थैंक्स टू गॉड. बट इतना अब अवार्ड्स का एक्साइटमेंट अब नहीं रहा. आई थिंक हर किसी को मुझे वर्दी में देखने की इतनी आदत है कि वेन एवर आई एम माई रियल सेल्फ, तो लोगों को बड़ा एक अचंभा होता है और बड़ी अलग लगती हूँ मैं लोगों को. लेकिन मेरे लिए पर्सनली आई एम यू नो आई लव एक्सपेरिमेंटिंग, लुकिंग डिफरेंट ईच टाइम. बस अब इस अवार्ड के बाद कुछ एग्जॉटिक ही शायद मैं करने वाली हूँ. मिस्टर बच्चन एवरी ईयर, वेदर इट्स 2013 और 90s और 80s और 70s और 60s, for me it's Mr. Bachchan. But yeah, presently looking at you know how amazing Salman is looking, and I think he's just getting better with age, so I think he's Salman's the new Mr. Bachchan. Yeah, 2013 biggest movie, I don't know, I'm no idea.
नो नो आई थिंक नारी को अब खुद ही सक्षम होना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा उनको खुद ही करनी पड़ेगी, और चाहे वो लर्निंग टू बी यू नो सेल्फ डिफेंस हो या कॉशन हो, कुछ भी हो, आई थिंक पहली सुरक्षा नारी के खुद के हाथ में ही है। पहली बात तो आई हैव अ वेरी वेरी बैड थ्रोट, नहीं मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ यार, टुडे आई एम नॉमिनेटेड, तो आज डेब्यू के लिए नॉमिनेट हुआ हूँ, तो पहली बार बड़ा नर्वस आया हूँ मैं किसी अवार्ड नाइट में, अव्वल बड़ा उछलता हुआ आता हूँ मैं, सो लेट्स सी आज होता क्या। बिल्कुल यार, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, यही चाहता हूँ, आपके मुंह में घी शक्कर झड़ी लगी रहे तो मजा आ जाएगा। अब हाउ डील, आई थिंक वो अभी अंदर जमाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी स्टार्ट हुआ है ये सिलसिला, बट अच्छा लग रहा है यार कि किसी अवार्ड नाइट में नॉमिनेट हुए हैं, एंड दैट ऑल्सो इज द बेस्ट डेब्यू ऑफ द ईयर, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नहीं यार, अभी तो फिलहाल कोई योजना मैं किसी के साथ नहीं बना रहा हूँ, अभी तो फिलहाल मैं अपनी दूसरी फिल्म तेरे बिन लादेन 2 में थोड़ा सा व्यस्त हूँ, उसके बाद आई थिंक आई विल बी सून बैक ऑन टीवी विद द शो, बट नथिंग फाइनलाइज्ड। वेल, सलमान सर के लिए ऑब्वियसली आई थिंक मैं ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री जो है शुभकामनाएं देती है, बहुत अच्छे इंसान है, आई थिंक हम जैसे न्यू कमर्स का बड़ा ख्याल रखते हैं, सो आई थिंक आई फील गुड, सलमान सर ने मुझे बेस्ट होस्ट भी कहा था, अब आज यहाँ तक पहुँचे हैं, सो आई थिंक मैं थोड़ा क्रेडिट उनको भी देता हूँ इस बात का, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है, सो थैंक्स टू हिम एंड विश हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। न्यू ईयर प्लान, इस बार मेरा न्यू ईयर प्लान कुछ नहीं है, बिकॉज मैं अपनी सेकेंड फिल्म में एक गाना शूट करना है, उसमें मुझे थोड़ा टी शर्ट उतारनी है फिर से, तो उसके लिए मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने न्यू ईयर पे कोई प्लान नहीं रखा है, मैं घर पे होने वाला हूँ और मैं अपनी बॉइल्ड खाना खाने वाला हूँ बैठ के।